हेलो बच्चों, शिव सारण क्लासेज में स्वागत है आपका। मैं मुकेश पांडे, आज आपको हिंदी स्टोनोग्राफी अम्प अम्ब अम्ब इस्त इष्ट इस्त इष्ट का चाप का प्रयोग करना सिखाएंगे आपको। इसके पहले हमने 33 एक्सरसाइज तक कराया है, उसके बाद हमने आपको जो 33 एक्सरसाइज तक यानी आंकड़े तक जो शब्दचिन्ह थे, इसके पहले हमने आपको पहले क्लास में सारे शुरू से लेकर के 33 एक्सरसाइज सारे शब्दचिन्हों का प्रैक्टिस करना सिखाया है। सभी शब्दचिन्हों की प्रैक्टिस सिखा दी है, यानी प्रैक्टिस करने का तरीका बताया है। आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, यानी वहाँ तक आपका बिल्कुल कंठस्थ है तो आगे हम अब चल रहे हैं। आज से मात्रा का यूज बिल्कुल ही हम बंद कर देंगे, यानी लास्ट में अगर मात्रा आएगी तो वहीं लगाएंगे, बाकी कहीं मात्रा अब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके पहले अम्ब अम्ब इस्ट का प्रयोग करना सिखाएंगे और स्वा सर्किल यानी पूरा अभी हम आपको बताने चल रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर एक, हमने कहा था एक सर्किल है, सर्किल को सा कहा था। सर्किल को हमने सिखाया जैसे का, ये कहा था सर्किल सा। फिर आपको सिखाया इसी सर्किल को डबल कर दो, यानी बाद वाला सर्किल जो था उसको लार्ज कर दो, यानी पहले वाले सर्किल से डबल कर दो। ये हमने आपको सिखाया है हा, यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं। अब पहले सर्किल होता है, पहले सर्किल इसको सा और का सक पढ़ा, यानी पहले वाले सर्किल को डबल कर देंगे तो ये स्वा हो जाएगा। स्वा आधा सा और वा, ये स्वा और का स्वक। अगर डार्क दिख रहा स्वक तभी लाइट डाले, हमें बस जो सीखना वो सीखेंगे। हमें सीखना है पहले यानी शुरुआत में सर्किल को डबल कर देंगे तो स्वा। अब फिर देखिए ये स्वा हो गया और ये पा, ये स्वपा स्वप पर तक, जैसे ये स्वा ये पा और ये घड़ी की दिशा में ना ककड़ा, ये स्वप्न पढ़ सकते हैं। ये स्वा और ये रा स्वर, यानी एक छोटी सी चीज बताई आपको हमने, सर्किल को पहले डबल कर देंगे आज से तो स्वा, और बाद में डबल करते तो हाँ। हमने आपको जब 27 एक्सरसाइज कराया था तभी हमने आपको सिखाया था, बताया था ये स्वा ये रा, और यहीं से एक गा बना दो जैसे स्वरा गा, बाद में हम स्वर्ग स्वा ये रा और ये था हो गया स्वर्थ स्वर्थ, तो आगे चल के हम स्वार्थ स्वार्थ पढ़ सकते हैं। अभी स्वर अभी हमें कोई क्या वर्ड्स है कोई लेना देना नहीं, बस ये स्वा ये रा और ये था या धा जो भी दिख रहा, स्वर्थ है स्वर्थ है, आपको बस जो रूल सीखना है वही देखेंगे। फिर ये स्वा ये गा मान लो है ये ता का कड़ा, स्वागत स्वागत पढ़ सकते हैं। ये स्वा और ये मी मापी की मात्रा हो गई, स्वामी हो गया स्वामी। फिर ये स्वा ये भा ये मन हो गया स्वाभामन, तो बाद में हम इसको स्वाभिमान भी पढ़ सकते हैं। ये स्वा ये रा ये थी स्वार्थी हो सकता है। ये स्वा ये छा ये ना स्वच्छन हो गया, जैसे स्वच्छन आ जाए ये स्वदेशी आ जाए। ये स्वा ये दा ये सा स्वदेश, और बाहर निकाल देंगे सर्किल को तो एक ही मात्रा भी सिखाया स्वदेशी हो गया। फिर और देखते जाएंगे स्वा ये ना स्वन हो गया, यानी किसी भी व्यंजन में सरल लेखा वाला है तो एंटी क्लॉक और चाप वाला है तो अंदर, यानी शुरुआत वाले सर्किल को डबल करेंगे स्वा। बस एक छोटी सी चीज इतने हमें सीखना है। ये स्वा ये पा और ये मा स्वपम हो गया। स्वा चाल स्वचल जैसे आए, ये स्वा ये चा ये ला स्वचल हो गया। ये स्वा ये स्वा ये भा और ये वाह हो गया स्वभाव हो गया। वाह कैसे हुआ इसके लिए एक पेज प्रैक्टिस करेंगे, नंबर दूसरा पेज। ये हमने आपको सिखाया था गा और या गए, यानी का और या की निशब हम सिखाया था,
यू शेप में बनाया, एक टिक लगा दिया, गाय वाला बताया था। अब यही बनाया और ये टिक हटा दिया से, ये वाक इनिशियल फॉर्म हो गई। यानी बाद में या जब भी वाक इनिशियल फॉर्म सिखाया था हमने गाय वाला, या ऐसे ये टिक हट गया तो ये वाक इनिशियल फॉर्म है। जैसे कैसे प्रैक्टिस करेंगे, अब ये का बनाया या कै, ये का बनाया वा कौ, ये पा बनाया पै, ये पौ, ये टै, ये टौ, ये चै, ये चौ, ये रै, ये रौ, ये लै, ये लौ, ये सै, ये सौ, ये मै, ये मौ, ये नै, ये नौ, इस तरह से। यानी जो वाक इनिशियल फॉर्म सिखाया था उसमें टिक था, टिक हटा दिया तो वाक इनिशियल फॉर्म। ऐसे प्रैक्टिस तमाम हर स्ट्रोक जितने आपको समझ, जितने व्यंजन याद है सभी व्यंजनों पर लगा के देखेंगे। ये हा बनाया है और ये हौ, ये वा और ये वै और ये वौ, ये या और या ये, ये यौ, ये वाला हा बनाया है और ये आ, ये हौ, इस तरह से। फिर देखिए मान लो गा है, ये गए, ये गौ, ये बै, ये बौ, ये डै, ये डौ, ये जय, ये जौ, इस तरह से। ये मान लो ये लय और ये लौ। यानी बस छोटी सी चीज है, या कि इनिशियल फॉर्म में टिक लगा होता था, टिक हटा दिया तो वाक इनिशियल फॉर्म। बस पहले जो व्यंजन बनाया वो पढ़े, उसके बाद टिक है तो या, टिक हट गया तो वाह, या की और वाह की इनिशियल फॉर्म हो गई, ये लास्ट में लगेगा। अब तीसरा पेज, ये हमने कहा था का और सा सर्किल सिखाया। गोल है तो सर्किल, यानी सर्किल गोल होता है। अगर इसको गोल ना बना के इसको हमने चिपटा कर दिया, यानी चाप बन गया, लूप बन गया कर्व, तो इसको हम कहते हैं इष्ट, इष्ट, इष्ट और ये इष्ट है। यानी चार चीजों में कोई भी, अभी हमने इसको पढ़ा सीधा सा का और सा, ऐसे पढ़ा था का और सा कस। अब इसको हम पढ़ेंगे का, उसके बाद अब हम क्या लिख सकते हैं इष्ट, यानी हम पढ़ सकते हैं कष्ट। फिर का और अष्ट यानी कष्ट, ऐसे अपने दिमाग में बैठाएंगे। फिर का और इष्ट कष्ट और कष्ट, यानी सर्किल गोल होता था तो सर्किल, और गोल को मैंने चिपटा कर दिया तो लूप, यानी गोल बनाया तो सर्किल होता, सर्किल को सा पढ़ते हैं, चिपटा कर दिया तो लूप हो गया। लूप को हम इष्ट, 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 चारों में कोई एक पढ़ लेंगे। अब जैसे ये माँ है, ऐसे कर दिया, इस बिल्कुल मन से पढ़ेंगे मस्ट, मस्ट, मस्त, मस्त, यही लाम लग गया। लस्ट, लस्ट, लस्त, लस्त, ये ताम बनाया, ऐसे ताम लग गया। कैसे बनेगा, जैसे सर्किल बनता था, सरल लेखा में टिक लाख, चाप में अंदर, बस सीधी बात है। तस्ट, तस्ट, तस्त, तस्त, ये रा में लग गया। रस्ट, रस्ट, रस्त, रस्त, ये याम लग गया। यष्ट, यष्ट, यस्त, यस्त, ये पाम लग गया। पष्ट, पष्ट, पस्त, पस्त, ये चा बनाया, चाम लग गया। चष्ट, चष्ट, चस्त, चस्त, ये नाम बनाया, नाम लग गया। नष्ट, नष्ट, नस्त, नस्त, ये चारों मुंह से निकले तभी हम आगे बढ़ेंगे। वाम लग गया। वस्ट, वस्ट, वस्त, वस्त, ये लाम लग गया, लाम हो गया। ये साम लग गया। सष्ट, सष्ट, सस्त, सस्त, और टाम लग गया।
जब इसके वर्ड्स बताएंगे आपको, 35 एक्सरसाइज कराएंगे तो और अच्छे से बिल्कुल समझ में आएगा। अभी आपको नहीं सोचना ये वर्ड्स क्या हैं, ये शब्द क्या बन रहे हैं, हमें शब्द पे ध्यान नहीं लेना है, हमें बस सीधा सा टा और अष्ट टस्ट टस्ट इष्ट इष्ट इसे जोड़ लेंगे। फिर हर स्ट्रोक में देखेंगे नाम लग गया नष्ट नष्ट नस्त नस्त, एकदम जुबान पर अट जाए। ये नाम लग गया लष्ट 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 लष्ट, सभी स्ट्रोक सभी व्यंजन में हम करके देखेंगे। पाम लग गया पष्ट पष्ट पस्त पस्त, और माम लग गया मष्ट मष्ट मस्त मस्त, राम लग गया रष्ट रष्ट रस्त रस्त, इस तरह बोलेंगे बिल्कुल शुद्धता से। याम लग गया यष्ट यष्ट यस्त यस्त, हाम लग गया हष्ट हष्ट हस्त हस्त, ये वाला हाम लग गया हष्ट हष्ट हस्त हस्त, इस तरह से, यानी बाद में लगा तो बाद में पढ़ा गया। अब चौथा नंबर, ये पहले सर्किल है तो पहले पढ़ लेंगे सा का सक। अब इसी को पहले लूप बना दिया तो ये आपका इष्ट 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 इष्ट, सीधी सी बात है। ये बाद में सर्किल लगता तो बाद में पढ़ते थे, अब पहले लग गया तो पहले पढ़ते थे, बस सर्किल ना बना के चाप बना दिया तो इष्ट 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 है, बाद में लगा तो बाद पढ़ा, पहले लगा तो पढ़े पहले पढ़ेंगे, यानी इसको पढ़ेंगे इष्टक 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 इष्टक। अब इसे पाम लग गया पहले समझेंगे, ये इष्ट है और पा इष्टप, पहले बना दिख रहा तो इष्टप 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 इष्टप, इस तरह से। ये टाम लग गया इष्टट 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 इष्टट, चाम लग गया इष्टच 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 इष्टच, राम लग गया इष्टर इष्टर इस्तर इस्तर, एकदम शुद्धता से दिमाग बैठा के। माम लग गया इष्टम इष्टम इस्तम इस्तम, नाम लग गया इष्टन इष्टन इस्तन इस्तन, लाम लग गया इष्टल इष्टल इस्तल इस्तल, यानी पहले लगा तो पहले पढ़ेंगे, बाद में लगा तो बाद में पढ़ेंगे। ये ताम लग गया पहले इष्टत 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 इस्तत इस्तत, और ये साम लग गया इष्टस इष्टस इस्तस इस्थस, चाहे तो लिख के पढ़ लेंगे, मान ली इसमें पढ़ना है इस्था और ये सा इस्थस, ऐसे लिख लिख के पढ़ते जाएंगे। फिर और सब स्ट्रोक में इस्टर इस्टर इस्तर इस्तर, ये मान लो डा हो गया ऐसे डार इस्टड 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 इस्थड, इस तरह से। चाम लग गया इस्टच 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 इस्थच, इस तरह से मन में उड़। नाम लग गया इष्टन इष्टन इस्तन इस्तन, माम लग गया इष्टम इष्टम इस्तम इस्तम, इस तरह से मन बोल खोल के। ये पाम लग गया इष्टप 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 इष्टप, और नाम लग गया इष्टल इष्टल इस्तल इस्थल, इस तरह से चौथा पेज। एक एक पेज में एक एक रूल्स के अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे से स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी, आप बिल्कुल पहली बात पूरी मानते चलिए, 100% दिक्कत आपको नहीं आएगी। पांचवा नंबर, अभी ये जो बताया चाप हमने बाद वाला, ये इष्ट 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 वाला, ये आधे आधा भाग के लिए निशान लगा रहे हैं, आधा भाग है, आधे से कम दूरी पर टच था ये चाप। अगर इस चाप को यानी आधे से अधिक दूरी पर लाके टच कर, यानी इस चाप से इस चाप को डबल कर दे, सर्किल को डबल कर दिया,
पहले लगा तो स्वा, बाद में लगा तो हा, ये हो गया क्लियर आपको। अब ये चाप बाद वाला, पहले वाले चाप को नहीं बराबर करेंगे, बाद वाले चाप को जो लास्ट में लग रहा उस चाप को अगर डबल कर देंगे इस चाप से, इस लूप से इस लूप को डबल कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा दार, धार और ये त्रा। अब इसको जैसे काम लग गया, कदार, कधार, कत्र, ये मां बनाया, माम लग गया, मदार, मधार, मत्र, लाम लग गया, लदार, लधार, लत्र, ऐसे पढ़ेंगे बिल्कुल। मान लो बाद में पुत्र, पित्र, मित्र, चित्र लिखना होगा, बताएंगे भी बाद में। पहले आप इसको अच्छे से, साम लग गया, सदार, सधार, सत्र, नाम लग गया, नदार, नधार, नत्र, पाम लग गया, पदार, पधार, पत्र, टाम लग गया, टदार, टधार, टत्र, चाम लग गया, चदार, चधार, चत्र, वाम लग गया, वदार, वधार, वत्र, याम लग गया, यदार, यधार, यत्र, हाम लग गया, हदार, हधार, हत्र, ये वाला हाम लग गया, हदार, हधार, हत्र, इस तरह से। यानी दार, धार, त्रा में कोई एक चीज हम पढ़ लें, कब कहाँ कौन से पढ़ेंगे वो बताएंगे। जैसे यहाँ चार चीजें हैं तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, बस अभी हम चारों मन से बोलते जाएंगे बस। फिर देखिए ऐसे पढ़, ऐसे तमाम पैटर्न, मदार, मधार, मत्र, स्पीड से नदार, नधार, नत्र, सदार, सधार, सत्र, तदार, तधार, तत्र, ये वाला सा बनाया, सदार, सधार, सत्र, ये लदार, लधार, लत्र, ला डाउन वाल बना, लदार, लधार, लत्र, ये रदार, रधार, रत्र, वदार, वधार, वत्र, पदार, पधार, पत्र, ये टदार, टधार, तत्र, ये चदार, चधार, चत्र, ये लदार, लधार, लत्र, यानी जितने व्यंजन आपको दिखे सब में अच्छे से प्रैक्टिस। सारे व्यंजन जो आपने सीखा, खा में, गा में, डार्क में, लाइट में, कट में, सब भी करके खूब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। फिर नंबर छः है, ये माँ, माँ लाइट होता है, पहले दिन सिखाया माँ हल्का व्यंजन है, लाइट है, लाइट है। अगर इस माँ को डार्क कर देंगे, माँ को डार्क कर, जैसे का को डार्क को अग्गा बन जाए, माँ को डार्क कर देंगे ता से, ये हो जाएगा आपका अम्प, अम्ब और अम्ब। यानी जैसे पा बनाया, माँ को डार्क किया, पंप, पंब, पंप, आधा माँ और पा वाला ऐसे लिखा जाता है। जैसे पंप लिखना है, चंप लिखना है, चंपा, चैंपियन, बम्पर, चैम्बर। अब जैसे ये पा बनाया, अम्प और रा लगा दो, बम्पर। अभी आपको अम्प ये प्रैक्टिस करना है वर्ड। जैसे चैम्बर लिखना है, चे सेकंड बनाया, ये अम्ब और रा, चैम्बर, टेम्पर, ये टे, एम को डार्क, टेम्पर, चैम्बर, टेम्पर, बम्पर, बता दिया, लंबर, ला डाउनवर्ड बनाया, हमको लंबा और लंबर, जैसे तंबक, तंबाकू, जैसे कंबल लिखना है, का ए अम्बल, कंबल, ये चा ए अम्बल, चंबल, बम्बा, बम्बे, ऐसे बॉम्बे लिखना है, बा और अम्बे, बम्बे, ये बम्बे, तो बम्बे ना करके बाद में बॉम्बे। यानी माँ को डार कर देंगे तो अभी आपको बस अम्प 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 इस तरह से प्रैक्टिस करना है। ऐसे अम्प 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 अम्प, ये वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आया है तो बना लेंगे, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको अच्छे से, यानी हमने आपको बस दो चीज़ें सिखाई, पहले सर्किल बनता था, एक पहले एक बाद में। पहले वाले सर्किल को डबल करा तो स्वा, बाद वाले सर्किल को डबल करा तो हाँ, बहुत पहले बता चुके हैं। फिर आज सर्किल था, यानी गोल होता है, गोल ना बना के चिपटा कर दो, यानी सर्किल ना बना के उसको लूप, चाप बना दो। वो चाप को हम पढ़ते हैं इष्ट, 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 इष्ट है।
यानी पहले लगा तो पहले पढ़ेंगे, ये पहले लगा था पहले ईस्ट, फिर जो व्यंजन दिख रहे हो पढ़े। जैसे साव कप, इसको सक पढ़ा था, इसको ये सक पढ़ा तो ये स्टक हो गया, बस इतनी चीजें हैं। ये बाद में पढ़ा था का सा कस, ये का इष्ट कष्ट हो गया, बस इतना ही चीजें हमने आपको बताया। फिर ये बताया अगर ये चाप बाद वाला जो था इष्ट वाला, इसको अगर डबल कर दिया यानी ये आधे दूरी पर टच था, आधे से अधिक दूरी पर टच कर दिया तो दार धार त्रा हो जाएगा। तो इतनी चीजें हमने बताई हैं, इसको अब अच्छे से प्रैक्टिस करिए को मन लगा करके। अगले वीडियो में 35 एक्सरसाइज लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।